आजमगढ़ शहर में रविवार की देर शाम रोडवेज स्थित एक होटल में आईडीए की ओर से सीडीआई सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के एसओडी प्रोफेसर डॉक्टर यूएस पाल द्वारा बेसिक हेल्थ प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि क्लिनिक पर किस तरह के इक्विपमेंट होने चाहिए, साथ ही किस तरह की इमरजेंसी आ सकती है जिससे कि उस इमरजेंसी से निपटने और इलाज करने में आसानी हो। वहीं डॉक्टर पार्थ द्वारा भी बेसिक हेल्थ एनर्जी पर चर्चा करते हुए मरीज को होने वाली समस्याओं और उससे निपटने की जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर आर डी मौर्य, डॉक्टर अनिल उपाध्याय, डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर स्मारिका, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर नवीन वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ओएस डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर यूएस पाल सर आए हुए थे, जिसमें बेसिक मैनेजमेंट ऑफ डेंटल इमरजेंसी के बारे में उन्होंने हमने लोगों को जानकारी दी कि बेसिक डेंटल इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है और इसमें हमें क्लिनिक पे क्या क्या इक्विपमेंट रखने चाहिए, कि किसी भी डेंटल क्लिनिक या डेंटल हॉस्पिटल या ट्रामा सेंटर पर किस प्रकार की इमरजेंसी डेंटल डिपार्टमेंट में आ सकती है, तो हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे कि हम उस इमरजेंसी से आसानी से निपटा जा सके और उसका इलाज किया जा सके, इसके बारे में डॉक्टर यूएस पाल सर ने जानकारी दी। और बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर पार्थ सर ने जानकारी दी कि किसी भी प्रकार की बेसिक हेल्थ के बारे में क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हमें कैसे निपटना है, सारी बातों की जानकारी दी गई, जिसमें सारे आईडीए मेंबर आ जाएंगे।